हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। वो वीडियो मैंने ज्यादा बड़ी नहीं करी, इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। बाइंडिंग एनर्जी का मास डिफेक्ट से क्या रिलेशन है, क्या इनका आपस में संपर्क है, कि हम आपस में मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को कैसे पढ़ते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी होती है वो इक्वल होगी, मास डिफेक्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, देखो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में पकड़ने की जो एनर्जी होगी उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन के लिखते हैं हम इसकी, बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी, कॉपी पेन बेटा फटाफट निकाल लो। बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आपको पता होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो एनर्जी जो होल्ड करके रखती है न्यूक्लियॉन्स को, कहां पर बेटा, द मास ऑफ न्यूक्लियस, होल्ड ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो होल्ड करने की एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर बेटा? चलिए, जब न्यूक्लियस, व्हेन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको भी नोट डाउन करना। When nucleus nucleons form a nucleus, the mass of, मतलब एक सिंपल सी अगर मैं आपको बात करूं कि जब nucleons हो गए वो उनका जो मास होगा वो कम होगा न्यूक्लियस के अंदर, और वो कम कब होगा और कैसे मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे इस चीज के अंदर हम डिस्कस करते हैं। When nucleons form a nucleus, the mass of nucleus, is less than sum of mass of nucleons, चलो समझते हैं। जब न्यूक्लियॉन्स बेटा कब होगा, जब कोई न्यूक्लियस, ये देखो सपोज करो न्यूक्लियस है, इसका जो मास होगा, न्यूक्लियस का जो क्या है बेटा, मास है, वो कम होगा सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि मास डिफेक्ट क्या था, वो मास था जब न्यूक्लियस एक फ्री स्टेट के अंदर चला जाता है। अब फ्री स्टेट के अंदर वो चला गया न्यूक्लियस, तो फ्री स्टेट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो ज्यादा होगा इसके न्यूक्लियस के मास से, वो ज्यादा होगा, तो वो कहेगा भी मुझे तो अब इस न्यूक्लियस को बाहर निकलना है, मेरा मास ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूं, ये कौन कहेंगे, न्यूक्लियस। और जो एक्चुअली में न्यूक्लियस का मास होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, द डिक्रीज इन मास ऑफ न्यूक्लियस, डिक्रीज कर देंगे मास को, द डिक्रीज इन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हम इसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में होल्ड करने के लिए, मतलब जो एलिजिबल होगा न्यूक्लियॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करने के लिए, उसमें हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब जो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मुझे एक्वायर चाहिएगी,
टोटल एनर्जी एक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस, या डिवाइड मान लो, टू डिवाइड द न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड, उस एनर्जी को बोलेंगे हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो थ्योरेटिकल तो हमने सिर्फ लिख लिया, अब एक बार दोबारा से हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली, थोड़ी एक्सपेरिमेंटली, थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी जो होल्ड करती है न्यूक्लियॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या होता है कई बार कि जो न्यूक्लियॉन्स है उनकी मास की वैल्यू ज्यादा हो जाती है न्यूक्लियस के मास को, तो वो कहता है मुझे मुझे शक्तिशाली है, तो न्यूक्लियस कहता भी मुझे स्टेबल करो, मुझे बचाओ न्यूक्लियस से, न्यूक्लियॉन से। तो उनके मास को डिक्रीज करके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हेल्प से, तब उस एनर्जी को हम बोलेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम बेसिकली मानते हैं डेल ई बी से, जिसकी वैल्यू होती है एम डेल एम सी स्क्वायर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में मास एनर्जी रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन से निकाली है। क्लियर? होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। अब आपको बेटा इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, डेल ई बी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये चीज वैल्यू पुट होगी और डायरेक्ट ये हेल्प करेगी, डेल एम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं। अगर नहीं दिख रही होगी मैं वैल्यू को यहां भी लिख देता हूं, डेल ई बी विच विल इक्वल टू डेल एम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इक्वेशन को आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर रखना है, साइड में इंपॉर्टेंट नोट्स जहां पर आप बनाते हो मेरी वीडियो के, तो उनको वहां पर लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में भी करेंगे, आपको होमवर्क भी मिलेगा और एक इंपॉर्टेंट भी है। सो नाउ आपको बाइंडिंग एनर्जी क्लियर हो गया, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्लियर हो गया, कैसे बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है ये भी क्लियर हो जाएगा अभी न्यूमेरिकल से। जल्दी से फटाफट पॉज करो वीडियो को और नोट डाउन करो अपने नोटबुक पर, मैं इतना आपके लिए न्यूमेरिकल लिखता हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी पे, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर यहां से कहीं नहीं गए आपके, अगर इसको न्यूमेरिकल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ऑफ हीलियम न्यूक्लियस एंड मास ऑफ हीलियम, यू नो वेरी वेल 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली न्यूक्ली के अंदर जितने भी हमने न्यूमेरिकल करने हैं ना बेटा, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर उनकी यूनिट्स को लिखना है। सबसे पहले प्राइम के अंदर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से डाल देना, और मास ऑफ प्रोटॉन हीलियम के अंदर क्या वैल्यू होती है? 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पे। डेल ई बी इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है? डेल एम और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमने मास डिफेक्ट की वैल्यू भी फाइंड आउट किया है, मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ। डेल ई बी इज इक्वल टू, मैं मास डिफेक्ट की वैल्यू यहां पर लिखने वाला हूं, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास माइनस एटॉमिक नंबर,
मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यूज को फटाफट मैं यहां पर पुट करने वाला हूं। हीलियम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी 2। अब मास है इसका प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास मेरे पास कितना है 1.0073 प्लस एटॉमिक मास 4 माइनस एटॉमिक नंबर 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन विल 1.0087। बेटा जो ये कैलकुलेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करके दिखाता हूँ जिनकी थोड़ी कैलकुलेशन वीक है। कोई बात नहीं, फिजिक्स से डरना नहीं, फिजिक्स को अपना बनाना है। तो टोटल मास कितना है 4.0026 क्लियर, और लास्ट में मल्टीप्लाई कराना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्लियर बेटा, चलो नाउ आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। डेल ईवी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास नेट वैल्यू क्या आती है 2.0146 प्लस 4 माइनस 2 2 2 को जब 1.0087 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मेरे पास वैल्यू आती है 2.0174 माइनस 4.0026 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे हम, कितनी आएगी वैल्यू 6404.0320 माइनस 4.0026 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ डेल ऑफ ई बी विच इक्वल टू, जब मैं माइनस करूंगा वैल्यू को क्या आती है 0.09294 लास्ट में क्या है मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी कैलकुलेशन होपफुली समझ में आ गई होगी आपको। एट लास्टली जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नेट वैल्यू और मेरा आंसर आता है 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बेटा, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से पोस्ट करके समझ लो। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, मुझे व्हाट्सएप कर दो। और अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। होमवर्क में न्यूमेरिकल आपका क्या रहेगा, देखो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू मेरे पास 1.007 और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू 1.0087 है। अब मैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी आपको कैलकुलेट करके आनी है होमवर्क पे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी आपको करके आनी है जिसका मास कितना होता है वो भी मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी लिखने वाला हूँ और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू भी लिखने वाला हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, जिसका ये होमवर्क हो जाए मुझे व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहां पर आपको सेंड करना है, कमेंट में करके बताना कि हाँ हमसे हो गया है। ऑक्सीजन की बात करेंगे जिसका एक्यूरेट मास होता है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है बेटा 15.994914। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो 1.0078 25 एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं 1.0086 65 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपके लिए होमवर्क है, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है बिल्कुल सेम एज इट इज। सोल्व होने के बाद अगर एक्यूरेट आंसर आता है, मैं एक आंसर भी लिख रहा हूं, अगर आंसर बिल्कुल मैच हो जाता है आपका, आंसर है 127.552586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आंसर इस होमवर्क के न्यूमेरिकल का। अगर आपसे ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है, एक्यूरेट आंसर आता है, तो कमेंट करके जरूर बताइए और मुझे व्हाट्सएप पे जरूर अप्रिशिएट करिए। ये नंबर है, अगर नहीं सोल्व आता कोई बात नहीं, इसकी मैं अलग से वीडियो भी बना के आपको पर्सनली भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है बेटे। हमने यहाँ पर अब बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट के रिलेशन से न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। अब आने वाली जो मेरी वीडियो होगी
अब हम इसी वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करें। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि बड़ी नहीं करते हम ज्यादा वीडियो को। उसके अंदर हम बाइंडिंग एनर्जी की कर्व को भी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू यूजर हो, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को पहुंचाइए, नीडी स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए। मेरा मेन मोटिव यही है कि हर बच्चे फिजिक्स को आसानी से समझ सके, और कोई भी हेल्प हो इस गिवन नंबर पे मुझसे पूछ सकते हो, नोट्स ले सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।